एवरीवन वेलकम बैक टू अनदर वीडियो और आपका आज की वीडियो में स्वागत है। आज जो वीडियो हम लेकर आए हैं वो है एक्शन से भरपूर और वो है कमांडो 3 का जो है वन मैन आर्मी का लास्ट में जो उसका फाइटिंग सीन है ना डिशू 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 वो है मुझे इतना फनी लग रहा ना कि वो है कमांडो सीन कमांडो का जो लास्ट वाला सीन है ना मुझे डिस्क्राइब कैसे कर रहा है। एनीवे हमें बहुत ज्यादा बोला जाता है कि हम लोग वैसे मैं फिर से यही बोल देती हूँ हमें बहुत ज्यादा बोला जाता है डेफिनेटली हमें बोला जाता है तो हम वीडियोज बनाते हैं तो अभी हम देखते हैं कमांडो का सीन क्योंकि फाइटिंग वाले सीन मुझे भी बहुत अच्छे लगते हैं और मौजम का मुझे पता नहीं है किसको पसंद है कि नहीं पसंद बस ठीक ही लगते हैं क्योंकि लड़ाई झगड़े में इतना शो इंटरेस्ट नहीं है ना मेरा भी इसलिए मैं हमेशा साउथ इंडियन मूवीज को भी पसंद करती हूँ क्योंकि एक तो वो बहुत जल्दी जल्दी खत्म हो जाती हैं और दूसरा ये कि उनका एक्शन किसी और लेवल का होता है जिसका हकीकत से कोई ताल्लुक ही नहीं होता। लेकिन अभी कमांडो तो ये तो बॉलीवुड की मूवी है इसका तो कुछ ना कुछ होगा और हम लोग विद्युत के बारे में भी थोड़ा बहुत जानते हैं तो इसलिए मेरा ख्याल में काफी मजा आएगा देखने का। लेकिन उससे पहले इस वीडियो का चैनल जो है हमारी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा सब्सक्राइब करें लाइक करें शेयर करें फॉलो करें इनके चैनल को। उसके अलावा आपको मैं दूसरे चैनल का लिंक और हमारे इंस्टाग्राम का लिंक भी हमारी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा सब्सक्राइब करें लाइक करें शेयर करें फॉलो करें। तो चलिए पहले देख लेते हैं वीडियो देन वी विल डिस्कस हम लोगों को कैसे लगे सो लेट्स स्टार्ट विद द वीडियो। छोटी सी जगह पर लड़ना मुश्किल ही है जो मार अभी खा रहा है ये भी हैंडसम है मतलब टॉल ये रियल में क्या होगा पता नहीं पर नीचे नहीं टूटेगा ये भी स्लांग मार का भी नहीं टूटेगा ये कौन सा लोहे है ये कौन सी लकड़ी है मतलब इतनी मार खाने के बाद लोग कैसे इतने अच्छे तरीके से हो जाते हैं तोड़ी अभी सही तरह नहीं तोड़ी होगी ना नहीं तोड़ी तो लड़ रहे हैं ना अभी तक नहीं वो देखो हाँ हो रहा है बस गया एक क्लास में लगता पड़ेगी ये फाइनल नहीं मतलब हम गलत थे अभी हिम्मत है उसकी नहीं मैंने तो मूवी देखी हुई है ना अच्छा मैंने देखी मैं सोच चुप हूँ आप देख लें पीछे क्यों नहीं होते देखते क्यों है एक दूसरे को अभी पड़ेगी फिर हम करेंगे मुझे क्या मालूम ओह 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 माय गॉड ये तो मुझे लग रहा है कॉम्पिटिशन हो रहा है लड़ाई का एक तुम मारो एक मैं मारूं ऐसे लग नहीं रहा है ना यार ये तो जबरदस्त है बस क्या
ये वैसे डाइनिंग टेबल मजबूत था बहुत ज्यादा। अब लड़की के पीछे जाएगा उसको भी मारना। नहीं नहीं आज के अगर इस फाइटिंग सीन की बात करना तो मैंने तो ये कमांडो 2 और कमांडो 1 दोनों मैंने देखी हुई हैं। दोनों जो हैं बहुत अच्छी हैं, शॉट्स बहुत अच्छे हैं, फाइटिंग सीन बहुत अच्छे हैं। और जो 1 है ना उसकी सबसे मुझे अच्छी बात ये लगी कि पूरी मूवी जो है वो ग्रीनरी में बनी हुई, जंगल में बनी हुई है। तो मैंने वैसे अभी दोनों पार्ट्स नहीं देखे कमांडो 1 कमांडो, मुझे ऐसा लगता है कमांडो 1 मुझे लग रहा है मैंने मतलब थोड़ी बहुत देखी होगी, बस है ना जंगल में। मुझे लगता है मैंने मतलब एक मरदाई की टाइम में बैठकर नहीं देखी, लेकिन टीवी में जो था ऐसे चलते फिरते थोड़ी बहुत देखी है, लेकिन ये सीन मैंने बिल्कुल भी नहीं देखा था। और कल भी जैसे हम लोगों ने टाइगर श्रॉफ का देखा था, यू नो जिस तरीके से मेकिंग ऑफ बागी 3, और आज हम लोगों ने कमांडो का देखा। मैं कहती हूँ कि ये वाकई में सही वाले हीरोज हैं, क्योंकि कल भी जब कॉमेंट सेक्शन में ये हम लोगों को पढ़ने को मिला था कि विद्युत और टाइगर ये खुद फाइटिंग सीन करते हैं, इनका मतलब कोई भी ऐसा नहीं होता कि फाइटर कोई के वो परफॉर्म करें। और विद्युत की अगर हम बात करें तो हम लोगों को पता है कि लाइक कमांडो 3 में भी हम लोगों ने देखा था कि किस तरीके से उन्होंने सारे जितने भी फाइटिंग सीन्स हैं कितने अच्छे तरीके से वो परफॉर्म करते हैं। बट मुझे ये समझ में नहीं आती कि लाइक वाकई में वो मौजूद वाली बात कि वो टेबल फिर नहीं टूटा। नहीं बाकी वो टेबल जो है ना वो फेविकोल से जुड़ा होगा इसलिए नहीं वो टूटा होगा। और अगर यहाँ पे मैं बात करूँ ना इस मूवी में जो विलन है अभी फाइटिंग वाले सीन में, वो तो वो इसमें विलन भी प्यारे थे और इसमें जो है हीरो भी प्यारे अच्छा, हैं। लेकिन अगर मेन विलन की बात करें जिनका नाम था AK-47 हाँ सॉरी एक AK-74 था जिनका नाम था AK-74 उनकी वो ना बनाई उनकी आंखों की पुतलियां ही नहीं बनाई हुई। अच्छा हाँ मुझे याद आ गया मुझे याद आ गया मुझे याद आ गया हाँ, मुझे याद आ गया मुझे याद आ गया दोबारा बेटा इस मूवी में वो होता है वो एक लड़की के पीछे होते हैं। हाँ बिल्कुल मैंने देखी हुई है ये मूवी, बस मुझे याद देखा याद आ गया, मुझे पता था इन्होंने देखी हुई लेकिन किस ज़हन में नहीं थी आ रही इतना ज्यादा नहीं जितना आपका AK-47 में होना लेकिन हाँ वाकई में वो बहुत खौफनाक बनाए उनको देख डर लगता है उनकी आंखें जिस तरीके से हाँ। मेरा हरमन को शायद नजर ही नहीं आता ना। नहीं नजर आता है उसे लेकिन वो जो है ना वो आंखों की पुतलियां इस तरह की उनकी बनाई हुई है पता नहीं क्या था लेकिन मूवी में जो मैंने डायलॉग सुना था ना तो उसमें बताया हुआ था कि अमावस की रात को पैदा हुआ था ना इसलिए ऐसा था। सच में हाँ। यार मतलब क्या इसका कोई रियलिटी में लेना देना होगा। अच्छा वैसे नहीं, ही है, वैसे ही। लेकिन ये कि मुझे सच में बहुत मजा आता है और क्योंकि हम लोगों को पता है कि विद्युत ने मार्शल आर्ट भी सीखा हुआ है, फिर उसके बाद उन्होंने क्लैरी पायुत जो एक था इस पर भी हम लोग वीडियो वैसे देखेंगे क्योंकि ये बहुत एक वो बोलते हैं ना कि वो एक क्या गुरु है ये सब मार्शल आर्ट्स का ये वाला। तो विद्युत जो उनसे हैं वो मतलब वर्ल्ड वाइड जाने जाते हैं अपने मार्शल आर्ट्स को लेकर और बहुत अच्छे तरीके से परफॉर्म करते हैं और मुझे बहुत मजा आया है देखने का। एंड आई होप आप लोगों को भी अच्छा लगा होगा। लेकिन मैं जाने से पहले ना ये पूछना चाहती हूँ कि आप लोगों को कौन से एक्टर्स का एक्शन अच्छा लगता है जिनमें अक्षय कुमार सर हैं, फिर विद्युत आते हैं, टाइगर श्रॉफ आते हैं, ऋतिक रोशन सर आते हैं और कौन सा मौसम और मेरे ख्याल में यही मेन है एक्टर्स जो कि बहुत ज्यादा यू नो स्टंट्स करते हैं और इस तरीके से करते हैं कि आप हैरान हो जाते हैं। लेकिन मैं बस यहाँ पर एक बात बोलना चाहूंगी, कल हम लोगों ने टाइगर श्रॉफ की वीडियो देखी थी मेकिंग ऑफ बागी 3 की, तो प्लीज मैं उसके बाद ये सबसे रिक्वेस्ट करना चाहूंगी कि वो जितनी ये सब लोग मेहनत करते हैं ना सीरियसली जिस तरीके के भी सीन्स होते हैं हम लोगों को मतलब बोलना नहीं चाहिए कि ये कैसे कैसे होगा क्योंकि बहुत डिफिकल्ट है। और मैं ये देख रही थी कि जिस तरीके से एक दूसरे को ऐसे फेंकते ही करते हैं तो मौसम चोट भी लग जाती होगी इस तरीके से लगती होगी। और अच्छा वहां पे मैं AK-74 की बात करने लगा था, उनका नाम जो है AK-74 ने से रखा, उनका मूवी में नाम था अमृत कंवल और वो 1974 में पैदा हुए थे तो इसलिए AK-74 उनका नाम था। मौसम को याद आ गया यार ओवरऑल सीरियसली मुझे बहुत मजा आया लेकिन ये AK-74 वाला तो बहुत ही मजे का था। और इसी के साथ मुझे इजाजत, हमारी वीडियोस करें लाइक चैनल करें, हमारी वीडियोस करें एंड कीप अस इन योर प्रेयर्स टिल देन गुड बाय।